और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बैठक हुई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ अधिकारियों की बैठक हुई है। सिटी एसपी, मध्य ट्रैफिक एसपी और स्पेशल विजिलेंस के अधिकारियों ने यह बैठक की है। यातायात संबंधी अन्य कई बातों को लेकर चर्चा हुई। 23 अप्रैल को बाबू वीर कुमार सिंह के विजय उत्सव में शामिल होंगे अमित शाह। अमित शाह के जगदीशपुर दौरा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। दौरे से पहले आज कारकेड का भी रिहर्सल होगा, तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अधिकारियों की पूरी बैठक हो चुकी है और पूरी तरीके से कोई भी चूक ना रह जाए इसके लिए समीक्षा भी की गई है और मंथन किया गया है। तमाम जानकारी के साथ ब्यूरो हेड पटना से रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, माफ कीजिएगा, फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह का दौरा और किस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारी की जा रही है, सुरक्षा को लेकर बैठक हो रही है, जानना चाहेंगे किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, अमित शाह का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी की है यहाँ पे आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भोजपुर में, जगदीशपुर में, भोजपुर जिला में, यहाँ पे ऐतिहासिक दिन ये साबित होने वाला है, इस ऐतिहासिक जगह पे और विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। राष्ट्रीय जो बीजेपी के जो नेता और साथ ही साथ गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो यहाँ पे आएंगे। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से तमाम सारे जो अधिकारी थे, विजिलेंस के लोग, ट्रैफिक एसपी और जो स्पेशल अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं, यातायात संबंधी यहाँ पे बैठक हुई है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम यहाँ पे बातचीत हुई है, बैठक हुई है, उसकी तैयारियां की गई है। हालांकि थोड़ी तब्दीली हुई है इनके कार्यक्रम में। पहले जो 1000 मोटरसाइकिल के साथ इन्हें लेकर जाना था गंतव्य की ओर और एक दिन पहले जो आना था उसमें तब्दीली करते हुए अब कल सुबह ये आएंगे पटना एयरपोर्ट और यहाँ से सीधा चौपर के जरिए सभा स्थल पर जाएंगे और फिर वहां से सासाराम में जमुहार स्थित जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, वहां पे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और फिर गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां से फिर वो वापस दिल्ली लौटेंगे। तो इसको लेकर हर स्तर पे कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो, इसको लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की सारी तैयारी की गई है, बैठक की गई है और पूरी स्थिति का जायजा लिया गया है और एक दिन पहले आज इसका रिहर्सल भी किया जाएगा व्यवस्था को लेकर। जी रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में मंथन किया गया कि कोई भी कमी ना रह जाए और इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है।